अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोमिल जीजू और अवनी दीदी की और उन दोनों एम्प्लॉयज की बात का क्या मतलब निकालूं। मैं फर्क ही नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। जूही, मैं तेरी घबराहट समझ सकती हूँ। अपनों के बीच में रहकर उन पर शक करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे तू मुझे कह रही है ना, मुझे लगता है रोमिल जीजू और अवनी दीदी जरूर कुछ ना कुछ सबसे छुपा रहे हैं। अब सही और गलत की पहचान करने के लिए तुझे उस बात का पता लगाना पड़ेगा पहले। लेकिन जूही, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस गार्ड ने अवनी दीदी पर इल्जाम लगाए, शायद उस वजह से मुझे अवनी दीदी पर शक हो रहा हो। और क्या पता ये सब कुछ सच हो, बस रिश्तों की हिचकिचाहट के चक्कर में तू चीजों को अनदेखा कर रही हो। नहीं जूही, मुझे नहीं लगता कि अपनी दीदी ऐसा कर सकती है। हाँ रूही, लेकिन हमारे पास उनकी बेगुनाही का सबूत भी तो होना चाहिए ना। तो एक काम कर, मौका देख कर ना उनके कमरे की तलाशी ले ले। सच और झूठ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो अब रोही अवनी के कमरे की तलाशी लेगी। ठीक है, अब मैं रोही के शक को यकीन में बदल कर रहूंगी। अग्नि, 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 तुम्हें क्या कर रही हो? क्या हुआ रोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मैं बस भजन सुन रही थी। मैंने सुना है ऐसी हालात में भजन सुनने से बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है ना? हे रामा, यार कुछ भी कहो, नाहर सर के एक्सीडेंट का सबसे बड़ा फायदा रोमिल जी को हुआ है, क्योंकि नाहर सर को कुछ याद नहीं एक्सीडेंट के बाद और रोमिल जी को बैठे बैठाए 10 करोड़ की डील मिल गई। भूल कर भी इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना। इस बात को कब तक छुपाएंगे? आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आ जाएगी ना। तू एक काम कर, मौका देखकर उनके कमरे की तलाशी ले। सच और झूठ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। क्या कर रही हो तुम? सॉरी नाहर जी, वो गलती से मैं साफ कर देती हूँ। रहने दो। मैं कर लूंगा, तुम मेरे लिए जाओ, नींबू पानी लेकर आओ। सॉरी। वो ब्रेसलेट, ब्रेसलेट रोही के हाथ में जो ब्रेसलेट था, क्या वो इसी ब्रेसलेट का दूसरा हिस्सा था?
या कोई और ब्रेसलेट था, पर इसका आधा हिस्सा रूही के हाथ में क्यों होगा? ऐसा ब्रेसलेट एक ही थोड़ी है दुनिया में, और भी होंगे। मैं भी क्या सोच रहा हूं, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। समझ नहीं आ रहा है, तेरी तो रखी थी टेबल पे, फाइल जा कहाँ सकती है? कहीं किसी ने साफ सफाई करते वक्त फाइल के पेपर स्टडी में तो नहीं रख दिए? हो सकता है, एक बार देख कर आती हूँ। सॉरी अवनी दीदी, आपसे बिना पूछे आपके कमरे की ऐसी तलाश ले रही हूं, पर क्या करूं, अपना शक दूर करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और यहाँ बात नाहर जी के जान की है, और मैं उनके गुनहगार तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दीदी के कमरे में तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब वो गार्ड मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा था, वो मुझसे झूठ बोल रहा था, और मेरा विश्वास जीत गया। अपनी दीदी कभी नाहर्षी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। बता था, एक नंबर की बेवकूफ है ये रूही, ढंग से तलाशी भी नहीं ले पाएगी। अब मुझे इसके सामने वो सारी चीजें लानी पड़ेंगी। ये फाइल कौन सी है और ये गद्दे के नीचे क्यों है? ये फोटो तो जहां पर लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था उस जगह की है, लेकिन ये अवनी दीदी के पास कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोची समझी साजिश थी। ऐसा कैसे हो सकता, एक बहन अपने भाई को बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? क्या सच अपनी दीदी को निकाल है? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।